प्रॉब्लम है जी पार्टनरशिप से मुतलिक। सऊद अली एंड साद स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 15,000, रुपीज 19,000 एंड रुपीज 12,000 रिस्पेक्टिवली। ये तीन पार्टनर्स हैं जिसमें सऊद हैं, इसके बाद अली हैं और साद है। ठीक है, ये तीनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं और साद जो हैं, यानी जो सऊद हैं, सॉरी, 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। जो भी अमाउंट्स लिखूंगा वो रुपीस में ही है। ठीक है, अली जो हैं वो 19,000 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, जबकि जो साद हैं वो 12,000 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी बिजनेस में लगाते हैं, इतने पैसे तीनों जमा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आगे जी, सऊद मैनेजेस द बिजनेस एंड रिसीव्स अलाउंस ऑफ ₹16,000 फॉर दिस असाइनमेंट। अब जो सऊद हैं वो बिजनेस को संभालते हैं, यानी बिजनेस को चलाते हैं, उसकी मैनेजमेंट को संभालते हैं, जिस चीज का वो टोटल प्रॉफिट में से 16,000 रुपीज अलाउंस के तौर पे लेंगे, यानी उसका मुआवजा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम किसकी बात कर रहे थे, सऊद, सऊद चूंकि मैनेज कर रहे हैं, तो मैं रेड में मैं ये लिख रहा था जो उन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट थी, ग्रीन में हम लिख लेते हैं जो वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्निंग अगर देखी जाए, अर्निंग, ठीक है, अर्निंग वो किस तरह से आ रही है, सऊद की स्टार्ट में 16,000 रुपये उनको जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से सीधा सीधा 16,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस को संभाल रहे हैं, बाकी अली और साद जो है वो बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर ही उसको संभालने में जो है वो अपना रोल नहीं प्ले कर रहे। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ्स अली विदड्रॉ ₹9,000। अब 5 मंथ्स के बाद अली ने जो है वो अपने 9,000 रुपये निकलवा लिए। इसका मतलब है 19,000 जो उनकी अमाउंट थी वो कितने मंथ्स के लिए है, फॉर 5 मंथ्स है। मैं यहां पे कर देता हूं फॉर 5 मंथ्स, फॉर, चलिए हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं, फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स 9,000 है। ठीक है, और उसके बाद कितनी हो जाती है, 9,000 विड्रॉ करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10,000। ठीक है, यानी 5 मंथ्स के बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रह जाती है। ठीक है, उसके बाद है जी, एंड बिजनेस इज क्लोज आफ्टर 9 मंथ्स, और 9 महीने के बाद बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है सऊद के जो पैसे हैं वो भी 9 मंथ्स के लिए हैं, फॉर 9 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स। इसी तरह से अली के जो पैसे हैं वो भी फॉर 9 मंथ्स ही हैं। ठीक है, फॉर 9 मंथ्स, लेकिन उसमें से 19,000 5 महीने के लिए वो रखते हैं, उसके बाद आखिरी 4 मंथ्स के लिए, फॉर 4 मंथ्स में लिख दूंगा, आखिरी 4 मंथ्स के लिए वो 10,000 उनका इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिजनेस में शामिल होता है। और साद का भी फॉर 9 मंथ्स है, फॉर 9 मंथ्स। अब चूंकि तीनों जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो 9 मंथ्स के लिए है, व्हाट डिड ईच रिसीव इन द प्रॉफिट ऑफ ₹58,000। यानी अगर टोटल प्रॉफिट उनको 9 महीने बाद बिजनेस 58,000 रुपीज कमा के देता है या उसका नफा होता है, तो हमने मालूम करना है कि सऊद को, अली को और साद को कितने मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात अगर आप देखें तो 58,000 में से हम 16,000 सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं, या उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम ये देखें कि सब की जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल मंथ्स के लिए कितनी थी, यानी अगर आप देखें, अब चूंकि पूरे 1 ईयर के लिए नहीं है, अली ने बीच में जो अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी निकाली भी थी, अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम सब हम देख लेते हैं कि 1 मंथ की जो इफेक्टिव, यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। चूंकि हर मंथ के लिए ये कह रहे थे 15,000, सेकेंड मंथ के लिए भी इनका 15,000, 30,000 हो गया, तीसरे मंथ का भी 15,000 बिजनेस में रहा, 90,000 हो गया, तो इस लिहाज से इनकी जो इफेक्टिव कैपिटल है, इसको मैं कह दूंगा इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव, इफेक्टिव कैपिटल, कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट ही है, यानी ठीक है जो स्टार्ट में वो पैसे लगाते हैं। अच्छा, इफेक्टिव कैपिटल कितना हो जाएगा, 15,000 हर मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए रहा, तो ये बन गया
15 मल्टीपल ऑफ 9, 135,000, 135,000, और ये सब रुपीज में है, ठीक है। चलें, इनकी तो 135,000 रुपीज इनके रहते हैं बिजनेस के अंदर एज इन्वेस्टमेंट। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अली के कितनी इन्वेस्टमेंट है 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, यानी कितना उनका पैसा, अगर हर मंथ के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, साद ने कितने किए, फिर हम इनकी जो है प्रॉफिट में शेयरिंग भी फाइंड आउट करते हैं।